नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेली के नए रिलीज 6.1 में हम एडवांस रिसिप्ट से संबंधित एंट्रीज को किस तरह से पोस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्तों को एडवांस रिसिप्ट से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मुझे कई तरह की मेल्स मिली हैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो दोस्तों, उसी को लेते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप नए रिलीज में एडवांस रिसिप्ट से संबंधित एंट्रीज को किस तरह से पोस्ट करेंगे, सेम मंथ में एडजस्टमेंट किस तरह से होगा, नेक्स्ट मंथ में एडजस्टमेंट किस तरह से होगा, कैंसिलेशन पर हम किस तरह से एडजस्टमेंट्स करेंगे, वो सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेम मंथ एडवांस एडजस्टमेंट की। जब भी कोई पार्टी हमें एडवांस देती है तो उसकी एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में करनी होती है, लेकिन सिंपल रिसिप्ट वाउचर में नहीं। जब आपको एडवांस रिसीव हो रहा हो तो आप रिसिप्ट वाउचर में आकर अल्ट वी एडवांस रिसिप्ट ऑप्शन को एक्टिवेट कर लीजिएगा, जहाँ ऊपर आपको एडवांस रिसिप्ट दिखाई देगा। देन जो भी पार्टी हमें एडवांस दे रही है, जैसे यहाँ पर मैंने ABC सेलेक्ट कर लिया है, ABC के बाद जैसे आप लेजर सेलेक्ट करेंगे, टेली आपसे पूछेगा कि आपको एडवांस किस आइटम के अगेंस्ट में मिलने वाला है। जो भी हम आइटम आगे चलकर उसे सेल करने वाले हैं, उसे सप्लाई करने वाले हैं, वो आइटम हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। यदि आप कोई सर्विस सेल करेंगे तो आपको अल्ट एल प्रेस करना है शो लेजर्स, और जो आपके सर्विस लेजर्स हैं आप उन्हें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी स्टॉक आइटम की, इसलिए मैं यहाँ पर ली जींस स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ, और एडवांस अमाउंट हमें जितना भी रिसीव होने वाला है वो हमें यहाँ पर टाइप करना होता है। जैसे अभी इस पॉइंट पर मैं 10,000 एडवांस रिसीव कर रहा हूँ, इसलिए 10,000 मैंने यहाँ इनपुट कर दिया है। आप यहाँ देख रहे होंगे टैक्सेबल वैल्यू टेली ने अलग कर दिया है 8474.58 9% यानी टोटल 18% का यहाँ पर हमको टैक्स कैलकुलेट होकर दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमको एडवांस रिसिप्ट लेते हुए एंट्री करनी होती है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस न्यू रेफरेंस ऑन अकाउंट अपनी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है एडवांस जो ऑप्शन आ रहा है इसी का यूज़ करते हुए आपको इसे सेव करना होता है। कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया है कि सर, हमारे बिल एडजस्टमेंट के मेथड्स स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो आपको अपना जो लेजर आप बनाते हैं पार्टी का, उस समय मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इस ऑप्शन को यस रखना है, और जब आप उसे यस रख देंगे देन फिर आपको एडवांस ऑप्शन दिखाई देगा। देन बैंक को लेते हुए आप इस एंट्री को सेव कर सकते हैं, बैंक और कैश जैसे भी आपको लेना हो इसे सेव कर लीजिएगा। तो हमने ये एडवांस रिसीव कर लिया है हमारी पार्टी से 1st of July को। अब आप डिस्प्ले में GSTR 1 के अंदर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाईज आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही है। इस हेडिंग में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स में कुछ डेटा दिखाई दे रहा है। सबसे पहला अनएडजस्टेड एडवांस, जिस पर टैक्सेबल वैल्यू CGST और SGST का टैक्स हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। लाइबिलिटीज हमने बुक नहीं की है, और बैलेंस लाइबिलिटी टू बी बुक्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अभी आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो ये जो एडवांस हमने रिसीव किया है इसकी लाइबिलिटी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, हम उसको अभी पेड नहीं कर पाएंगे। तो हमको सेम मंथ में एडवांस एडजस्टमेंट के लिए काम करना है। इसके लिए आपको, चूँकि आप सेम मंथ में एडवांस एडजस्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब इसी मंथ में हम उस पार्टी को गुड सप्लाई करना चाहते हैं, तो F8 प्रेस कीजिएगा और एक सेल्स का बिल हम बना देते हैं उसी पार्टी के नाम से जिससे हमें एडवांस रिसीव हुआ है। सेल्स ली जींस 10 नॉम्स और 1000 ईच हमने ले लिया है CGST SGST। सामने वाली पार्टी ने हमें 10,000 एडवांस दिया था उसके अगेंस्ट में, अब उसका बिल बन रहा है 11,800 का। तो ये जो 11,800 बन रहा है, अब आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो टेली फिर से आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट्स के बारे में पूछेगा, आपको बिल एडजस्ट करना होगा। यहाँ आपको याद रखना है, यहाँ न्यू रेफरेंस अभी आपको नहीं लेना, जो आपने एडवांस रिसीव किया था उसको आपको पहले एडजस्ट करवाना है। तो अगेंस्ट रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो एडवांस हमने रिसीव किया था उसका रेफरेंस आ रहा है बिल नंबर 2, जिसमें 10,000 हमने उससे रिसीव किया था। इस बिल को हम यहाँ से एडजस्ट करवाने वाले हैं, और यहाँ टेली 11,800 इस बिल का इनवॉइस का टोटल दिखा रहा है। यहाँ आपको जितना एडवांस आपने रिसीव किया था वो टाइप करना है,
देन इसे एंटर कर देना है, और जो 1800 अमाउंट एक्स्ट्रा बच रहा है उसे आप न्यू रेफरेंस में लेते हुए इस एंट्री को सेव कर लीजिएगा। अब आप फिर से GSTR रिपोर्ट में देखिएगा, GSTR 1 यहाँ आप देखिएगा वो बिल जिस पर 1800 हमको टैक्स बन रहा था वो अब आपकी B2B इनवॉइस में आ चुका है, और अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाइज जो हेडिंग टेली हमें यहाँ दिखा रहा था अब वो हेडिंग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों अभी आपने देखा, अब बैलेंस शीट में भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 1800 टैक्स दिखाई देगा। ये था सेम मंथ एडवांस एडजस्टमेंट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मंथ एडवांस एडजस्टमेंट किस तरह से हमको टैली में पोस्ट करना है। सपोज फिर से हमें किसी पार्टी से एडवांस रिसीव होता है, अल्ट वी रिसिप्ट वाउचर में आकर आपको अल्ट वी प्रेस करना है, देन मैंने एक पार्टी बना ली है रोहित लिमिटेड ली जींस, फिर से मुझे 10,000 रिसीव हुआ है एडवांस की फॉर्मेट में और इसे मैंने एक्सेप्ट करते हुए एडवांस ऑप्शन का यूज़ किया है और सेव कर लिया है बैंक में लेते हुए। फिर से चलते हम GSTR रिपोर्ट्स में, GSTR में फिर से आपको अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाइज दिखाई दे रहा है। अब हमें हमारी बैलेंस शीट में टैक्स लायबिलिटी अगेंस्ट एडवांस लेकर आनी है जो अभी हमको शो नहीं होगी। इस गुड्स की सप्लाई हम नेक्स्ट मंथ में करने वाले हैं, हमें जो भी एडवांस रिसीव हुआ है रोहित लिमिटेड से इसके अगेंस्ट में हम नेक्स्ट मंथ में गुड्स की सप्लाई करने वाले हैं। इस मंथ में हमें अपनी बैलेंस शीट में टैक्स लायबिलिटी बुक करनी होगी, जो अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी आपको टैली दिखा रहा है लायबिलिटीज बुक नहीं हुई है और आपको लायबिलिटी टू बी बुक्ड करनी है। अभी टैक्सेबल वैल्यू जो आ रही है वो 8474 आ रहा है, जिसमें से 10,000 हमने रिसीव किया था और ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू है। अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, उसके लिए अल्ट जे आपको प्रेस करना है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी नेचर ऑफ एडजस्टमेंट सेलेक्ट करना है और ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट इस एडिशनल डिटेल को लेते हुए एंट्री पोस्ट करनी है। यहाँ DR में आपको एक नया लेजर यूज़ करना है टैक्स ऑन एडवांस, जिसे आपको करंट असेट में रखना है, देन टोटल जो अमाउंट आ रहा था वो आपको यूज़ करना है 1525.42, देन CGST 9%, टैक्सेबल वैल्यू जो थी वो थी 8474.58, यहाँ पर अमाउंट आएगा 762.71, सेम SGST वहाँ पर भी 9%, 8474.58, और इस एंट्री को सेव करना है। लेकिन दोस्तों नीचे प्रोवाइड GST डिटेल जो आ रहा है उसको आपको याद रखकर यस करना है और सारी डिटेल को यहाँ पर फिल करना है कि ये जो हमको एडवांस रिसीव हुआ है रोहित लिमिटेड से रिसीव हुआ है उसकी सारी डिटेल यहाँ आ चुकी है और इसे सेव कर लेना है। अब आप फिर से देखेंगे तो GSTR रिपोर्ट में टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीप्ट यहाँ आ चुका है। अब अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाइज फिर से हमें 10,000 दिखाई दे रहा है, जब आप इसके अंदर जाएंगे तो लायबिलिटी बुक्ड हो चुकी है हमारी और बैलेंस शीट में भी अब यह अमाउंट शो होना चाहिए। जब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 1525.42 शो हो रहा है। लायबिलिटी बुक करने के बाद सपोज हमें गुड्स सप्लाई करना है तो मैंने डेट चेंज कर ली है, 1st अगस्त ले लिया है, नेक्स्ट मंथ में हमें गुड्स सप्लाई करना है। F8 सेल्स वाउचर, यहाँ हमको रोहित लिमिटेड को गुड्स सप्लाई करना था, सेल्स लीकी जीन्स जो कि थी 10 नॉम्स 1000 ईच, CGST SGST और 11,800 इसका इनवॉइस वैल्यू आ रहा है, जिसे आपको अगेंस्ट रेफरेंस में लेते हुए जो हमें एडवांस रिसीव हुआ था उसका एडजस्टमेंट यहाँ करना है। 10,000 यहाँ टाइप कर लीजिएगा और बाकी का जो अमाउंट है उसे न्यू रेफरेंस में लेते हुए इस इनवॉइस को सेव कर लीजिएगा। अब आप फिर से जाकर देखेंगे वहाँ पर GSTR रिपोर्ट्स में, GSTR 1 यहाँ आपको 1800 B2B इनवॉइस में दिखाई दे रहा है और ये रिपोर्ट हम देख रहे हैं 1st अगस्त to 31st अगस्त की। अब हमें हमारी टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस वो पेड करना है, तो सपोज हमने 20 अगस्त को टैक्स पे करना है F5 सिंगल एंट्री मोड और ऑल्ट एस GST 1st जुलाई 31st जुलाई, एडवांस बैंक का लेजर हम यूज़ कर लेते हैं CGST जो कि हमारा था 762.71 और SGST वो भी था 762.71 और इसे हमें पे करना है, एंटर 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 और सेव कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर तो यहाँ अभी भी 1800 शो हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू टैक्स 1525.42 हम यहाँ पर लेकर आए थे और उसके बाद हमने एक सेल्स की एंट्री भी पोस्ट की है तो सेल्स की एंट्री में जो टैक्स बन रहा था वो भी यहाँ आ चुका है। अब हमने हमारा जो एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू यहाँ टैक्स हम लेकर आए थे उस टैक्स को
हमको डिक्रीज करना होगा क्योंकि वो हम पे कर चुके हैं। तो डिक्रीज करने के लिए फिर से हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट करनी है F7। अल्ट जे से स्टेट एडजस्टमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको जीएसटी नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में हमको सेलेक्ट करना है डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, और नीचे एडिशनल डिटेल में हमको सेलेक्ट करना है सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट्स। इसे लेते हुए आपको जो एंट्री हमने पहले पोस्ट की थी उसका रिवर्स एंट्री हमको पोस्ट करना है। सीजीएसटी जो कि 9% था, टैक्सेबल इसकी वैल्यू थी 8474.58, अमाउंट आ रहा था 762.71। इसी तरह से डीआर में हमको एसजीएसटी सेम अमाउंट के साथ 762.71 और टैक्स ऑन एडवांस 1525.42। नीचे आपको प्रोवाइड जीएसटी डिटेल यस करते हुए एडवांस रिसिप्ट नंबर फिल करना है जो हमारे यहाँ पर 2 था। एडवांस रिसिप्ट की डेट डालनी है, पार्टी का लेजर सेलेक्ट करना है और सारी डिटेल को फिल करते हुए सेव कर लेना है। अब आप जब जीएसटीआर रिपोर्ट में देखेंगे GSTR 1, तो यहाँ आपको एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस में पूरी एंट्री यहाँ पर दिखाई देगी। वो जो टैक्स बन रहा था 1800, उसमें से हम 1525.42 का गवर्नमेंट को पेमेंट कर चुके हैं तो वो यहाँ से लेस हो गया है। अब हमें 274.58 टैक्स और पे करना है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब आप अगर बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको 274.58 टैक्स लाइबिलिटी दिखाई दे रही है। तो ये था नेक्स्ट मंथ हमको किस तरह से एडवांस एडजस्टमेंट एंट्रीज को पोस्ट करना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एडवांस कैंसिलेशन की, जिसमें पार्टी से हमें एडवांस मिलता है और वो एडवांस के अगेंस्ट में जब हम गुड्स सप्लाई करने जाते हैं और सामने वाली पार्टी उस ऑर्डर को कैंसिल कर देती है, तो उस कंडीशन में हमको किस तरह से एंट्रीज को पोस्ट करना है आइए वो देखते हैं। सबसे पहले हमें एडवांस रिसीव हो रहा है तो हम किसी पार्टी से एडवांस रिसीव कर लेते हैं F6 में, अल्ट वी के साथ एडवांस रिसिप्ट्स एक्टिव कर लेते हैं। देन यहाँ मैंने एक पार्टी बना ली है पूजा लिमिटेड, सेम ली जींस 10,000 मैंने एडवांस रिसीव किया है और एंट्री को एडवांस में लेते हुए सेव कर लिया है। अब इस पार्टी का हमें जो गुड्स सप्लाई करना था वो नेक्स्ट मंथ में करना है, इसलिए फिर से मैं इसकी लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज करने वाला हूँ। F7 अल्ट जे जीएसटी इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट्स टैक्स ऑन एडवांस जो कि बन रहा है 1525.42, सीजीएसटी 9%, टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट होगा 8474.58, कैलकुलेशन के बाद 762.71, एसजीएसटी सेम अमाउंट के साथ यस पार्टी लेजर और सेव कर लेते हैं। इससे हमारी बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी आ चुकी है और जीएसटीआर रिपोर्ट में भी आप देखेंगे तो जीएसटीआर रिपोर्ट में भी टैक्स लाइबिलिटी दिखाई दे रही है। दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है वो हो रही है मिसमैच मिल रहा है आपको एडवांस रिसिप्ट के साथ। तो यहाँ अनएडजस्टेड एडवांस 762.71, टोटल जो एडवांस हमको रिसीव हुआ है उसमें टैक्सेबल अमाउंट ये था और लाइबिलिटी हमने बुक कर चुके हैं, हम बैलेंस लाइबिलिटी टू बुक में 0 दिखा रहा है टैली हमको। अब हमको ये जो टैक्स बन रहा है 1525.42 ये गवर्नमेंट को पे करना है इस मंथ के लिए। तो मैं चलता हूँ F5 पेमेंट वाउचर, F2 20th अगस्त, यहाँ मैंने F12 सिंगल पेमेंट मोड को एक्टिवेट किया, ऑल्ट एस जीएसटी 1st जुलाई 31st जुलाई, एडवांस बैंक लेजर हम लोग यूज़ कर लेते हैं और जो सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट है उसे हम पे कर रहे हैं 762.71 और एसजीएसटी 762.71। पेमेंट करने के बाद हमारी लाइबिलिटी यहाँ से बैलेंस शीट से हट चुकी है। अब नेक्स्ट मंथ में हम आ चुके हैं और पार्टी को हमें गुड्स सप्लाई करनी थी पर पार्टी ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। ऐसी कंडीशन में जब आप गुड्स की सप्लाई नहीं करेंगे तो उस पार्टी को फिर से हमको उसका अमाउंट रिफंड करना होगा। तो आप F5 में ही खड़े रहिए और Alt F के साथ रिफंड ऑफ एडवांस रिसिप्ट्स ऑप्शन को एक्टिवेट कर लीजिए, सिंगल एंट्री मोड को भी आप डिसेबल कर लीजिए और DR में जो पार्टी से आपने एडवांस लिया था उस पार्टी का यूज़ कीजिए पूजा लिमिटेड। अब पूजा लिमिटेड से ली जींस के अगेंस्ट में हमने 10,000 रिसीव किया था और अगेंस्ट रेफरेंस में जो रिसीव किया था हमने वो वाला अमाउंट हमको यूज़ करना है 10,000 और CR के अंदर बैंक से हम उसको पेमेंट करने वाले हैं 10,000 रुपीज़। जब आप नीचे जाएंगे तो प्रोवाइड GST डिटेल में यस कीजिएगा और रिसिप्ट नंबर जब आपने रिसीव किया था तो उसका रिसिप्ट नंबर क्या था और डेट क्या थी वो यहाँ फिल कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे
GSTR रिपोर्ट के अंदर, तो यहाँ अभी आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और अगर आप जुलाई वाले में देखेंगे तो यहाँ पर अभी ये लाइबिलिटी हमारी 1525.42 हमें दिखाई दे रही है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, कि वो अमाउंट हम गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं, टैक्स हम गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं, तो उसकी इनपुट क्रेडिट हमें मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हमको फिर से F7 में जाना है। यहाँ प्रेस करना है आपको अल्ट के साथ J, GST, डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में सेलेक्ट कीजिएगा। देन आपको यूज़ करना है कैंसिलेशन ऑफ एडवांस रिसिप्ट्स, इस हेड को यूज़ करते हुए आपको एंट्री पोस्ट करनी है CGST, जिसमें 9% टोटल टैक्सेबल जो अमाउंट है वो आपको यहाँ टाइप करना है 8474.58, जो अमाउंट बन रहा था 762.71। इसी तरह से DR में SGST यूज़ कीजिएगा 9% सेम अमाउंट के साथ 762.71, और टैक्स ऑन एडवांस उसको भी यूज़ करना है। देन नीचे आप प्रोवाइड GST डिटेल, इसे यस कीजिएगा, और सारी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। एडवांस रिसिप्ट नंबर जो हमारा 2 था, एडवांस रिसिप्ट डेट 1 जुलाई, रिफंड वाउचर नंबर जो भी मेरा 2 था, रिफंड वाउचर डेट जो कि मेरी 20th अगस्त थी, तो 20th अगस्त, लेज़र नेम पार्टी का लेज़र पूजा लिमिटेड, और इस तरह से सारी डिटेल आपको फिल करते हुए इसे सेव कर देना है। अब आप जाकर बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको असेट्स के अंदर 1525.42 डेबिट बैलेंस मिलेगा। ये हमारा इनपुट क्रेडिट है जो हमने गवर्नमेंट को पहले पे कर दिया था, उसके बाद हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो इसलिए ये एसेट साइड में आपको मिल रहा है। ठीक इस तरह से GSTR रिपोर्ट में आप देखेंगे तो आपको डेबिट क्रेडिट नोट्स में ये मिलेगा, जो टैक्स हम पहले पे कर चुके थे और उसका कैंसिलेशन हो चुका है, इसलिए ये आपको डेबिट क्रेडिट नोट में टैली डिस्प्ले करने वाला है, यहाँ आपको ये एंट्री मिलेगी। तो दोस्तों मैंने आपको तीनों कंडीशंस बताई कि किस तरह से सेम मंथ में हमको एडजस्टमेंट करना है, नेक्स्ट मंथ में हमको एडजस्टमेंट करना है, और अगर कैंसिलेशन हो जाता है तो उसकी एंट्री हमको किस तरह से पोस्ट करनी है। तो नए वर्जन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए वो प्रोसेस मैंने आपको आज दिखाया है। तो दोस्तों अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। Thank you so much.